जय श्री राम, हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल प्रभु भक्ति में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्वनी पांडे। आज पुनः धर्म नगरी, आस्था की नगरी, श्री राम की नगरी अयोध्या जी में मौजूद हैं। हनुमान जी का 10वीं शताब्दी का मंदिर, जहां पर हनुमान जी विराजमान हैं। मंदिर में हनुमान जी की मांजनी रहती हैं। 52 बीघा में फैला हुआ है। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। 1855 में अवध के नवाब ने मंदिर को मुसलमानों द्वारा विनाश से बचाया। हम आपको ले चलते हैं सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पर, जहां पर हनुमान जी विराजमान हैं। अपने चैनल के माध्यम से हम आप सभी दर्शकों को सीधा दर्शन भी करवाएंगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं हनुमानगढ़ी सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर के पास। हम आपको अंदर मंदिर परिसर के अंदर ले चलते हैं, मंदिर की भव्यता को दिखाते हैं, बताते हैं, पवित्रताओं के बारे में आपको दिखाएंगे, बताएंगे। तो शुरू करते हैं। हनुमानगढ़ी भारत के उत्तर प्रदेश में हनुमान जी का 10वीं शताब्दी का मंदिर है। अयोध्या में स्थित यह शहर के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों के साथ साथ अन्य मंदिरों जैसे नागेश्वरनाथ और निर्माणाधीन राम मंदिर में से एक है। अयोध्या के मध्य में स्थित 76 सीढ़ियां हनुमानगढ़ी तक जाती हैं, जो उत्तर भारत में हनुमान जी के सबसे लोकप्रिय मंदिर परिसरों में से एक है। यह एक प्रथा है कि राम मंदिर जाने से पहले सबसे पहले हनुमान भगवान का, हनुमान जी महाराज का दर्शन करना चाहिए। मंदिर में हनुमान जी की मांजनी रहती हैं, जिसमें युवा हनुमान जी उनके गोद में बैठे हैं। यह मंदिर रामनंदी संप्रदाय के बैरागी महंतों और निर्माणी अनी अखाड़े के अधीन है। आपको बता दें कि जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहाँ रहने लगे, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ी या हनुमान कोट रखा गया। यहीं से हनुमान जी राम कोट की रक्षा करते थे। मुख्य मंदिर में पवन सुत माता अंजनी की गोद में बैठते हैं। यह विशाल मंदिर और इसका आवासीय परिसर 52 बीघा में फैला हुआ है। वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी सहित देश के कई मंदिरों में इस मंदिर की संपत्ति अखाड़े और बैठके हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर राम जन्मभूमि के पास स्थित है। 1855 में अवध के नवाब ने मंदिर को मुसलमानों द्वारा विनाश से बचाया। मुसलमानों के लगा कि हनुमानगढ़ी एक मस्जिद के ऊपर बनाई गई है। इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल ने कहा कि 1855 का विवाद बाबरी मस्जिद राम मंदिर स्थल के लिए नहीं, बल्कि हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए मुसलमानों और रामानंदी बैरागियों के बीच हुआ था। मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को साझा कर दूं एक मुख्य जानकारी, जो कि हनुमानगढ़ी में दर्शन करने आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, मनोकामना पूरी होती है। बताते चले कि हम आपको बता दें कि ज्येष्ठ मास में आने वाले बड़ा मंगल को हनुमानगढ़ी में, सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में बहुत भारी भीड़ होती है, श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता है। बड़ा मंगल को बुढ़ा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि ज्येष्ठ मास का आखिरी बड़ा मंगल होता है, जिस पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ती है। और हनुमान जयंती के अवसर श्री राम की नगरी अयोध्या जी में मौजूद हैं। आज हम आपको दिखाएंगे श्री राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या में क्या कुछ बदल रहा है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि रास्तों का चौड़ीकरण करने के लिए दुकानों को गिराया जा रहा है। आपको बता दें, या जो दुकानें थीं इनके कारण दर्शनार्थियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। दुकानों को तोड़कर रोड का चौड़ीकरण कर सीधा रास्ता राम मंदिर को निकाला जाएगा, ताकि जो बाहर से श्री राम नगरी में भक्तगण आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, रामलला का आसानी से दर्शन पा सकें। आपको बता दें कि इस मार्ग का नाम रामपथ होगा। रामपथ की दूरी 13 किलोमीटर तय की गई है। रामपथ को बनाने के बाद काफ़ी श्रद्धालुओं को कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है।
आप सभी को बताते हमें हर्ष है कि राम मंदिर का कार्य 2023 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और 2024 शुरू होते हुए श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु मंदिर को खोल दिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण का कार्य काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्यों का कहना है कि राम मंदिर को बनाने में 1800 करोड़ रुपए लग रहे हैं। हर हिंदू भगवान को इस मंदिर में उचित स्थान और जगह दी जाएगी। जिस प्लान पर इस समय काम किया जा रहा है उसके मुताबिक राम मंदिर निर्माण के साथ साथ वाल्मीकि, शबरी, जटायु, सीता, गणेश जी और लक्ष्मण जी के मंदिर भी बनवाए जाएंगे। इन मंदिरों के निर्माण के राम मंदिर के आसपास 70 एकड़ का इलाका भी चयनित कर लिया गया है। राम मंदिर कितना भव्य लगने वाला है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मंदिर में 2 मंजिला एक परिक्रमा सड़क का भी निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के पूर्वी भाग में तो सैंड स्टोन से बना एक द्वार भी रखा जाएगा। अब हम आपको ले चलते हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला, जहां पर मंदिर निर्माण के इस्तेमाल में पत्थरों को रखा गया है, उसके तैयार किया जा रहा है, पत्थरों पर नक्काशी की जा रही है। तो आइए आपको वहां पर ले चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं उस कार्यशाला पे जहां पर पत्थरों की निकासी हो रही है, पत्थर रखे गए हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि साल 1992 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जो पत्थर तराशे जा रहे थे अब उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि काफ़ी अरसे से राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर को तराशा जा रहा था। आपको भी यह भी जानकारी दे दें, पत्थरों को तराशने निकासी का कार्य किया जा रहा है। पहली बार पत्थर तराशने के लिए राजस्थान के साथ यूपी के कारीगरों को भी लगाया गया है। बताते चलें कि मंदिर निर्माण के लिए पिलर्स पर नक्काशी का कार्य लगभग पूरा हो गया है। छत के पत्थरों को तराशने का कार्य भी काफी हद तक हो चुका है। अब पिलर्स को आपस में जोड़ने के लिए बीम के पत्थरों पर नक्काशी का कार्य राम कार सेवकपुरम में शुरू हो गया है। आपको बताते चलें कि पहले 15 कारीगर काम कर रहे थे, लेकिन अब संख्या बढ़ा दी गई है। बताते हैं ऐसी ही कार्यशाला राजस्थान में भी स्थापित की गई है, जहां से पत्थरों को तराशने के बाद अयोध्या लाया जा रहा है। राम मंदिर के लिए जितना पत्थर की आवश्यकता थी उसका 70% तराश लिया गया है। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर के पुराने मॉडल में विस्तार किया गया। इसके बाद तराशे गए पत्थरों की आवश्यकता बढ़ गई, जिसकी पूर्ति के लिए तेजी से कार्य चल रहा है। आपको एक मुख्य जानकारी अपने चैनल के माध्यम से साझा करना चाहेंगे। श्री राम मंदिर जन्मभूमि मंदिर निर्माण में सीमेंट और सरिया आदि का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। यह मंदिर पुरातन पद्धति के आधार पर निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक पत्थर की शिला के खांचे के बीच दूसरी शिला को फिट कर जोड़ा जाएगा। खांचे को कसने के लिए चांदी की पत्तियों का प्रयोग किया जाएगा। अब